बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ी एंड क्रीमी ब्रेड पार्सल। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलता रहे। तो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया हमने आधा किलो। इसमें हमने आधा चाय का चम्मच नमक डाल के इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया और फिर इसे श्रेड कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेट की हुई गाजर आधा पाव। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च बड़े साइज़ की एक। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पीसी हुई काली मिर्च एक चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक हसबे ज़रूरत आधा चाय का चम्मच और फुल बारीक चॉप की हुई सब्ज़ी मिर्चें आधा चाय का चम्मच। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कटा हुआ धनिया और अब इसके अंदर जाएगी 5 से 6 खाने के चम्मच मायोनीज़। और अब सबसे आखिर में इसके अंदर हम डालेंगे चॉप की हुई चीज़ आधा कप। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब इसे हम साइड पे करेंगे और यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस लेंगे हम हसबे ज़रूरत। अब ये जो इनकी ब्राउन साइड है इन्हें हम चारों तरफ से उतार देंगे। ये देखिए इस तरह से बाकी के भी सारे उतार लेंगे। ये जिनके हम साइडों को अलहदा कर रहे हैं इन्हें हम ज़ाया नहीं करेंगे, इन्हीं से हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। अब हम ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे और ये जो हमने स्टफिंग तैयार की है एक चम्मच भर के इसके ऊपर लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर सेट कर लेंगे। ब्रेड की जो चारों साइड हैं इनको हमने थोड़ा थोड़ा सा खाली छोड़ देना, इनके ऊपर हमने स्टफिंग नहीं लगानी। ये देखिए इस तरह से हमने स्टफिंग लगानी है। अब दूसरा स्लाइस लेंगे, इसके हम चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अब इसे हम इस ब्रेड के ऊपर रखेंगे और इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरह से ये बंद हो जाए। इसमें ज़रा भी खला नहीं रहना चाहिए वरना ऑयल जो है वो इनके अंदर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इनकी पैकिंग करनी है। अब इसी तरह से हम बाकी की भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए सारी ब्रेड हमारी रेडी हो चुकी है। अब इनकी हम कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग करने के लिए हमने अंडे लिए हैं यहाँ पर 3। तो आप देख सकते हैं कि अंडे हमने तोड़ के बॉल में डाल लिए। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच पीसी हुई काली मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच नमक। अच्छी तरह से हम इन्हें मिक्स करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि अंडों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम ये तैयार की हुई ब्रेड लेंगे और इसकी अच्छी तरह से मंडे से कोटिंग करेंगे। अब इसकी हम ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करेंगे। कोटिंग हमने बहुत ही अच्छी तरह से करनी है ताकि इनके किनारे जो है वो खुले ना। ये देखिए इस तरह से दबा दबा के, तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हम फ्राई करेंगे। इनकी जो कोटिंग है हमने साथ साथ करनी है और साथ साथ इन्हें हमने फ्राई करना है। इनकी कोटिंग करके इन्हें हमने रखना नहीं है। अगर इनकी हम कोटिंग करके इनको रख देंगे तो ये टूट जाएंगी, ये फ्राई नहीं होंगी। तो इसलिए इसे हमने साथ साथ इनकी कोटिंग करनी है और साथ साथ इन्हें हमने फ्राई करना है। इन्हें हमने फुल आंच पे फ्राई नहीं करना, दरमियानी आंच पे फ्राई करना है। और इस तरह इनके ऊपर हम ऑयल को डालते जाएंगे ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। अब इनकी हम साइडों को चेंज करेंगे। तो देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई होके रेडी हो चुकी हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अब इसी तरह से हम बाकी ये भी फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार सी चिकन चीज़ी एंड क्रीमी ब्रेड पार्सल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम एक को काट के चेक करते हैं कि यह किस तरह की बनी है। तो आप देख सकते हैं कि यह कितनी क्रिस्पी क्रीमी एंड चीज़ी बनी है। और अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।